हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पढ़कर समझ गए, क्योंकि फाइनली मेरा एक और स्टूडेंट सिंगापुर में आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, आप सभी को बता दूं कि ये जो मेरा स्टूडेंट आए, ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, आप सबको इस वीडियो की तरफ से जानने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गैस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक, ज्वाइन, फॉलो नहीं किया है तो जाकर अभी आप वहां पर मुझे ज्वाइन करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप स्पेशल मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे और जो मेरे भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सबको इसमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो मेरा स्टूडेंट आया इसकी तरफ से शूट किया गया एयरपोर्ट पे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको इस वीडियो की तरफ से देखने को मिलेगा। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो बहुत जल्दी फ्लाई करने वाले हैं सिंगापुर के लिए। अगर आप सभी को अप्लाई भी करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं यहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकता हूँ अच्छे से कॉलेज में सिंगापुर से। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कि इंडिया के एक एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुई थी मेरे स्टूडेंट के साथ, नहीं किसी अदर स्टूडेंट को, एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने वीडियो शूट किया था, मैं वीडियो डालूंगा, आप देखना अच्छे से। पहले तो उनका जो नाम है वो नाम है मोहम्मद समीर, फ्रॉम यूपी बरेली, बरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको ही पता है कि यूपी में एक बरेली पड़ता है, बरेली मंडल, ये एक व्यापार वालों के लिए है। तो इनका नाम है मोहम्मद समीर, फ्रॉम बरेली से बिलोंग करते हैं। मेरे घर से मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी यूपी से हूँ, मेरे घर से अराउंड 150-200 किलोमीटर की दूरी पे होगा, मेरा ये अंदाजा है, कन्फर्म नहीं पता मेरे को, तो नियर अबाउट 200 किलोमीटर के आसपास ये बिलोंग करते हैं मेरे घर से। ठीक है गाइस, तो इन्होंने मुझे यूट्यूब पे फाइंड आउट किया, काफ़ी दिनों से ये मेरे अटैच में थे, अराउंड 1.5 साल से ये मुझसे बातें कर रहे थे, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने अब जाके प्रोसेस स्टार्ट किया और फाइनली इनका वीज़ा आ चुका है और ये सिंगापुर में भी हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबको पता है कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सबके लाइफ में, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन को हो, या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसा इनके साथ भी था। बट ये घर के बड़े हैं और मेरे साथ कांटेक्ट में थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने फिर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो की तरफ ले चल रहा हूँ, जैसे आप सबको पता है कि जो भी मेरा स्टूडेंट आता है मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरे बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके आपसे शेयर करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो जो है वो मेरे स्क्रीन के ऊपर ही रही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद समीर और मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ, और मेरा स्टार्टिंग से ये ड्रीम था कि मैं फॉरेन के लिए जाऊँ, और जिसके लिए मेरा आईलेट्स नहीं था। तो मैं एक भाई हैं, उनका नाम आपको मेंशन कर देता हूँ, जिनका नाम है रियासत अली। तो भाई को मैंने पिछले लगभग 2 इयर्स से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो मैंने भाई से बात की और उनसे कंफर्म किया कि विदाउट आईलेट्स मुझे किस कंट्री में जाने को मिल सकता है। तो भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप सिंगापुर आओ, ये बेटर कंट्री है, और मेरा ड्रीम भी था कि क्या बोलते हैं, मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँगा। तो भाई से मैंने अपने सारा काम कराया, भाई पे अंधा बिल्कुल एकदम बिलीव कर लिया अंधे लोगों की तरह, और भाई मेरे विश्वास पे बिल्कुल खड़े उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा भी आ चुका है और मैं बहुत जल्दी यहाँ से फ्लाई करने वाला हूँ। तो अगर किसी भी भाई को अपना वीज़ा सिंगापुर के लिए स्टडी वीज़ा कराना है तो वो भाई से संपर्क करें, कि आप चाहें तो सीधे डायरेक्टली भाई से यूट्यूब पर, भाई का चैनल है रियासत अली नाम से, आप सर्च मारेंगे, आप भाई से जुड़ें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाई मेरी ही तरह आपका भी सबका काम अच्छे से कराएंगे। और भाई को इंस्टा पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी भी। क्यों? क्योंकि एक बेनिफिट्स और है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो फ्रॉड करते हैं, बाहर बच्चों को बुला लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% ट्रस्ट करने लायक बंदे हैं,
और मैंने ट्रस्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वीज़ा भी आ चुका है और मैं बहुत जल्दी यहाँ से फ़्लाई करने वाला हूँ। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना कोई भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कराना चाहते हैं तो भाई से कंफर्म करें, और ये रियलिटी है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे लिए, शायद हो सकता है अगर आप कराएंगे तो आपके लिए भी हो। थैंक यू गाइस। फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी फ्लाई करने वाला हूं। तो शुक्रिया साजिद भाई, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साजिद भाई का इसलिए और ज़्यादा क्योंकि अभी मेरे सामने लगभग शायद 3 से 4 लोगों को रिटर्न किया गया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट नहीं थे और ना ही उन्होंने कैरी किए थे, लेकिन मुझे साजिद भाई ने और रियासत भाई ने दोनों ने मिलकर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे कि मुझे शायद से 2 या 3 मिनट्स लगे और मेरा बोर्डिंग पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इंडियन इमिग्रेशन वालों ने ये 3 बंदों को वापस भेजा है, ये उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कैरी भी है मेरे पास और कंप्लीट भी थे। फाइनली मुझे अब अंदर जाने का भी मिल जाएगा एंट्री गेट से। आप लोगों ने देखा वीडियोस मोहम्मद समीर ने, और उसके बाद जो एयरपोर्ट पे हैपन हुई थी जो उस बंदे ने बनाया, मैं तारीफ करूंगा क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय डॉक्यूमेंट्स में बस एक ही चीज एडिशनल है, वो है एज ई अराइवल कार्ड। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आपको एयरपोर्ट से निकाल देंगे इमिग्रेशन से। तो गाइज देखा समीर ने वीडियो शूट की थी कि 2-3 बच्चों का एज ई अराइवल कार्ड नहीं था, उसको इमिग्रेशन से निकाल दिया गया या बोर्डिंग पास से पहले निकाल दिया गया। गाइज आपने जैसा कि देखा, तो प्लीज अगर आप सिंगापुर फ्लाई कर रहे हैं तो एक बार डबल डॉक्यूमेंट चेक कर लें, मैंने वीडियो बना रखी है जाकर आप देखें, तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो ऐसा था, अल्हम्दुलिल्लाह के पास सब कुछ था, मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, उसके बाद आप फाइनली सिंगापुर आ जाएंगे सेफली। तो सब अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे गया इनको पिकअप करने। जैसा आपको पता है थोड़ा सा मैं लेट गया था, थोड़ा सा मैं इनसे नाराज भी था, आप देखना आगे। तो मैं गया था एयरपोर्ट इनको पिकअप करने, फिर देखते हैं। तो जो एयरपोर्ट की वीडियोज़ हैं वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रही। तो दोस्तों फाइनली समीर जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और आपका भाई जा रहा था लेने समीर को। सुबह का वक्त है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको रोड से अंदाजा लग रहा होगा कि बारिश हुई है रात भर। तो मैं चल रहा था एयरपोर्ट समीर को लेने गाइस, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। मैंने उसको पहले कहा कि यार टैक्सी लेके चला जा, क्योंकि मैं रात में 3 बजे सोया था और इस चक्कर में नहीं हो पाया। फिलहाल वो परेशान था, बोला फिर मैंने ठीक है यार अब मैं उठ गया हूँ, नींद नहीं आ रही तो मैं चला गया। तो एटलीस्ट मैं 2-2.5 घंटे सोया हूँ, जा रहा हूँ एयरपोर्ट पर समीर को लेने। और आप सभी लोग चैनल पर बने रहें आज तक, थोड़ा अजीब हो रहा है गाइस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं नज़ारा क्या सीन है क्या नहीं है। आपसे पूछते भी थोड़ा बहुत क्या क्या बता, देखो भाई क्या क्या बताता है वो। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों समीर मेरे साथ खड़े हैं और फाइनली एयरपोर्ट से जाके इनको मैं ले आया था जहाँ पे ठहराना है, ये इधर एसटीबी हाउस है, समीर इधर ही रहेंगे। तो समीर कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गाइड किया भाई ने। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा नर्वस भी है और मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया था, इनको पता है। फिलहाल कोई नहीं होता ऐसा यार, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा, इंडिया से यहाँ तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई एयरपोर्ट पे। अभी कभी कर कह रहे थे कि किसी को निकाल दिया एयरपोर्ट से, वहाँ गाड़ी की वजह से 2-3 लोगों को रिटर्न किया था कि भाई ने तो मुझे सब डॉक्यूमेंट्स कैरी करा दिए थे लेकिन उन लोगों के नहीं देते, इसलिए उनको रिटर्न कर दिया। एज ए अराइवल कार्ड, एज ए अराइवल कार्ड इनकी दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू सिंगापुर फ्लाइट थी। उसके बाद के रो भी बहुत सारे रहते, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दूंगा, आप चेक कराना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा वीडियो पे, तो देखना सब लोग गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ फाइनल हुआ और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपको भी अपना कोई भी काम कराना हो तो भाई वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे यार बाकी मेरे लिए भाई, मैंने तो बहुत टेस्ट किया और शायद
सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, बेटर है। फाइनली अब सिंगापुर में और पहला दिन है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि यार होल नाइट फ्लाइट थी, तो मैं अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसके बाद फिर इनको मैं टहलाता घुमाता हूँ, जैसा आपको पता है। और आप लोग भी भाई से ज्वाइन हुए यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी, भाई हैं दोनों पे हैं, यूट्यूब हाँ। पे चैनल है रियासत अली नाम से और इंस्टा पे भी है ऐड हूँ, बाकी आप ही का फायदा होगा। आज के टाइम में ट्रस्ट करने लायक कोई बंदा नहीं है, लेकिन मेरे लिए मैंने आपको बोल दिया बहुत, तो आप भी ज्वाइन करें, आपका भी अल्लाह ने चाहा काम अच्छा ही होगा। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं ना इमिग्रेशन पे? सर मुझे कोई प्रॉब्लम, अदर बंदों को मैंने बताया 3-4 लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। चलिए गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहे, इनको मैं थोड़ा सा क्योंकि थक गए हैं काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, फिर मिलते हैं गाइस, वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। मेरी भाई मेरे को लेने आ गए हैं और यहाँ से मेरे को कॉलेज वगैरह दिखाएंगे और मेडिकल वगैरह और बाकी जो भी सारे इनकम्प्लीट्स हैं अभी यहाँ के कार्ड्स वगैरह वो सब कंप्लीट कराएंगे, तो फाइनली मिलते हैं, चलिए भाई से। तो दोस्तों फाइनली एक दो दिन के बाद मैं समीर को लेने आया था, थोड़ा सा जा रहे थे सिटी और इनके कॉलेज लेके जा रहा हूँ मैं, इनको कॉलेज में थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कराना है, उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा MRT कार्ड सिम खाना पीना वो। तो समीर कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत ज़्यादा बढ़िया। और मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी भाई को अगर सिंगापुर के लिए अपना स्टूडेंट पास कराना है तो वो भाई से कॉन्टैक्ट करें, इनसे ज़्यादा बेस्ट मेरी नज़र में तो और कोई भी नहीं है जहाँ तक मेरा अपना, क्योंकि लोग मैंने यहाँ देखे बहुत पैसा। और हाँ मैं जिस रूम में रहता हूँ वो शायद 16-17 बंदे हैं पूरे इसमें, तो 16-17 की सब भाई की तारीफ करते, बल्कि अभी मिलने भी आए थे भाई से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई को यूट्यूब पर जाके फॉलो करें, जहाँ से आपको हर न्यूज़ के बारे में जानकारी होती रहेगी, और इंस्टा पर भी भाई से ऐड हो, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलमेट देखो पकड़ा हुआ है, ये भाई की गाड़ी है, आपको पता है यार, थोड़ा सा मैं देता हूँ, एक्चुअली बिजी था मैं एक दो दिन, तो इनसे कहा था कि मंडे आ जाए तो आज चलते हैं, सारा काम कराते हैं, कॉलेज चलते हैं लेकर, उनको दिखाते हैं, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं, इसी यूनिट में रहते हैं फ्लैट में यहाँ पे, तो जैसा भी है आपको वीडियो में भी दिखाएंगे सब आपको। चैनल के लिए कुछ? बिल्कुल, भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई की वीडियोज आके, बट इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप भाई से आप कुछ भी काम कराएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट और लोगों के मुकाबले, वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू, जैसे मेरे लिए वैसे सेम आपके लिए, क्योंकि मैंने भाई को देख लिया, शायद मेरे लिए तो सब कुछ है भाई, भाई ने इतना सब कुछ किया। ये एक्चुअली हमारे घर से अराउंड 150 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते हैं, बरेली, मैं लखीमपुर खीरी या बरेली से बिलोंग करते हैं। तो जो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा चैनल पे लास्ट तक बने रहो, चलते हैं कॉलेज इनके। सो फाइनली यार समीर आ चुके हैं, इनका सारा काम कुछ हो गया, कॉलेज में रिपोर्ट भी दे दी है, मेडिकल का निशान भी, इनका मेडिकल भी हो गया है, MRT कार्ड भी ले लिया, सिम भी ले लिया है, और हाँ करेंसी भी चेंज हो गई है, और फाइनली थोड़ा सामान भी इनको मैंने दिला दिया है, पिलो कवर। मेरा कुछ, अरे नहीं यार इतना भाई की तरफ से, ये मैंने कुछ भी नहीं खर्च किया सच में, कुछ नहीं गाइस, इतना होता है यार, अब आया है तो जरूरत की चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वीडियो बना रखी है कि ये सामान लेके आ जाओ तो नहीं लेना पड़ेगा। तो फाइनली इनको मैंने इनके यूनिट के पास छोड़ दिया है, और आज की वीडियो में बस इतना ही, लास्ट बार कहना चाहूँगा सब्सक्राइब माई चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छे से मोटिवेट होना है सिंगापुर के लिए तो भाई को फॉलो करें इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। और दूसरी बात यार कैसा लगा, मतलब बाइक पे, ये मेरी बाइक है, घूम कर कैसा लगा सिंगापुर में? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बेटर भाई, वो मुझे यहाँ पे समथिंग 3 डे होने हो गए, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसे आज, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बस 2 दिन से बहुत नर्वस था। तो गाइस जिनको मैंने घुमाया सिंगापुर, ठीक है, अलग अलग रास्ते से, हाईवे पे, मरीना बे स्टैंड वगैरह सब देखा। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनका जो ड्रीम है, फ्यूचर है, सब कुछ सक्सेस रहे यार, इनसे मिलना तो लगा ही रहेगा, मैं आता रहूँगा भाई के, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये कभी मेरे से भी मिलने आएंगे। तो जिनको भी अप्लाई करना है गाइस, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, भाई को भी मैसेज कर सकते हैं। भाई इंडिया में ही है, बल्कि भाई का एक वहाँ पे भी पूरा सेटअप है, बिल्कुल ओके डन, ये तो देखा है इन्होंने वीडियो कॉल पे करते हैं, बट ऐसा भाई के साथ कुछ भी नहीं है, मैं 100% बिलीव के साथ कर सकता हूँ, शायद कई बार बोल चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए तो इन द वर्ल्ड। चलिए गाइस फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, सब्सक्राइब माय चैनल, फिर मिलते हैं। तो देखा आपने गाइस पूरी जर्नी, मैंने इनको टाइम दिया, अपना टाइम निकाल कर गाइस इनके साथ गया, मैं कॉलेज भी गया, मेडिकल भी कराया इनका, और थोड़ा बहुत सामान था वो भी दिलवा दिया, और फाइनली अभी ठीक है, अभी 3-4 दिन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बाद अभी आने वाले कुछ समय में ये बिजी हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा रहा, और जो इनकी
जो इनका ड्रीम है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जो इनका ड्रीम है वो पूरा हो, इनका जो फ्यूचर हो ब्राइट हो, सक्सेस हो लाइफ में, आगे बढ़ें, जो भी ये सपना लेकर निकले हैं, जैसा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सोच कर निकलते हैं कि हाँ मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करना है, मुझे अपनी फैमिली को ठीक करना है, या मुझे घर बनाना है, मुझे बाइक, जो भी है, सबकी एक एक ड्रीम होती है, सबका एक सपना होता है। तो निकले यार, अगर आप बड़ी कंट्री में नहीं निकल पा रहे तो छोटी कंट्री में, यहाँ से भी रास्ते बहुत सारे हैं, अगर आप यहाँ पे भी रहते तो निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगापुर जाके फंस गए। मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको सब कुछ सिंगापुर के बारे में कि क्यों स्टडी करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए सिंगापुर में। तो गाइस आज की वीडियो में ही था, तो मेरा फाइनली एक और स्टूडेंट सिंगापुर में आ चुके हैं और समीर जिनका नाम है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, अभी सब कुछ ठीक है। मैं दुआ करता हूँ कि जो फ्यूचर हो ब्राइट हो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको भी अगर अप्लाई करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो मेरे थ्रू, और मेरा जो नंबर है वो कॉन्टैक्ट पड़ा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा और मेरे भाई का कॉन्टैक्ट पड़ा है, जाकर आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट लेकर आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे भाई को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मैं बता चुका कि मेरा एक और स्टूडेंट आ चुका है सिंगापुर में, वो वीडियो है सबसे डिफरेंट है गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे डिफरेंट वीडियो है, जब आप देखेंगे आप लोगों का हाँ भाई ऐसा भी हुआ है रजत भाई के साथ। तो चलिए वो आएगी वीडियो, आप सबको देखने को मिलेगी, मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो बहुत जल्दी फ्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं कुछ बताना या समझाना या कुछ बोलना भूल गया हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।